देखिए फिर सर, ये गाड़ी है इसमें कितना आवाज़ आ रहा है आप लोग सुन सकते हैं। अभी हम लोग इसको खोलेंगे तो टाइमिंग सेल का आवाज़ है, टाइमिंग सेल के साथ में ऑयल पंप चक्कर आता है, टेंशन रिपोर्ट आता है, टेंशन देने का टेंशन रबर आता है, ब्लॉक रबर आता है, इसमें क्या खराब है खोलेंगे तो पता चलेगा। ऑयल अभी नहीं था तो डाला है, ऑयल भी थोड़ा कम हुआ है और फिर इसके बाद टाइमिंग सेल का आवाज़ बंद करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या डालना पड़ेगा इसके अंदर, खोल के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए टाइमिंग चेन खोलने के लिए हमको ये गियर लीवर का बोल्ट खोलना पड़ता है, उसके बाद से ये तीन बोल्ट खुलेंगे, उसके बाद अंदर मैग्नेट है, मैग्नेट भी अभी दिखाता हूँ आपको खोल के। फ्रेंड्स अभी मैग्नेट निकालने के लिए मैग्नेट पुलर लगाएंगे, इसमें मैग्नेट पुलर में भी देखिए उल्टा थ्रेड आता है, उल्टा टाइट होगा पूरा, उसके बाद से सीधा टाइट करेंगे। फिर इसको फ्रेंड्स एकदम आराम से निकालना रहता है यहाँ से धीरे धीरे, क्योंकि ये टूटने का भी चांस रहता है, बहुत नाजुक आता है, इतना भी पतला आता है। सामने साइड पे बोल्ट आता है प्लग के बाजू में, वो खोलेंगे। टाइमिंग चेन पूरा खराब हो गया, पूरा लूज हो गया, यहाँ एकदम लूज हो गया। रबर आता है, देखिए फ्रेंड्स तो ये रहा टाइमिंग चेन पूरा लूज हो गया है, ये देखिए आपने उसमें दिखाया भी कि पूरा एकदम लूज हो गया है। ये हम लोग ये रिप्लेस करेंगे, ये ब्लॉक और ये टेंशन रबर आता है, ये तीनों बदल देंगे। देखिए फ्रेंड्स तो अभी दिखाता हूँ मैं, ये कितना छोटा कितना बड़ा हुआ है पुराना वाला, एक कड़ी पूरी बढ़ गई है, इसके लिए ढीला हो गया है। ये देखिए ये यहाँ तक इतना ही इतना बड़ा है, ये देख सकते हैं यहाँ का, मैंने यहाँ रख के मापा है कि इस पर एकदम प्रॉपर माप मिलेगा। तो चलिए फिर नया दूसरा तरीका ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए कितना बेंड हुआ है, जितना ज़्यादा प्ले होगा उतना ज़्यादा बेंड होगा ये। चलिए फिर टाइमिंग चेन लगाते हैं फटाफट। फ्रेंड से पुराना वाला भी अच्छा ही है, अभी स्मूथ और घिसा भी नहीं है, तो यही रहने देंगे इसको, हम खाली ब्लॉक रबर चेंज करेंगे। देखिए ये कैसा है, एकदम नरम है, उधर से डालने की तरीका रहता है, जहाँ जिसको मन पाता जिसको जहाँ से आसान लगता है डाल देते, अपने को तो यहीं से सही है। थोड़ा स्लिप, थोड़ा स्लिप,
थोड़ा थोड़ा सिलिकॉन ट्यूब लगा देते हैं, जिससे अगर बाई चांस कहीं से लीकेज होने जैसा भी होगा तो नहीं मारेंगे, हल्का हल्का ही मारेंगे। इसमें ये यहाँ पे देखिए टाइमिंग के लिए आता है, यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है, ये टाइमिंग के लिए निशानी दी रहती है, इस पर मैच करके फिर टाइमिंग लगाते हैं हम। चलिए फिर आगे टाइमिंग लगाते हुए भी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे रहता है, इसमें भी यहाँ पे कट रहता है, यहीं पे कट रहती है, ये देखिए यहाँ पे, ये खाली पैकिंग को ऐसे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे रहता है। चलिए फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइमिंग चेन में जो पुश रोड के अंदर ज़्यादा टाइट है, लगता है किसी ने उसके अंदर वो कड़क वाली स्प्रिंग डाली हुई है, इसीलिए लग नहीं रहा है। तो चलिए अभी उसको खोल करके अभी मैं भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इतने देर नहीं लगते हैं टाइमिंग चेन के बैठने में, तुरंत ही बैठ जाता है, हल्का सा पेचिए से दबाते ही लग जाता है। तो अभी उसको भी खोल के आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।